हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है झारखंड SSC की तरफ से 10+2 लेवल की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। इसमें होगा फ्रेंड्स आपका LDC, स्टेनो एंड PA यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी। बम्पर नंबर की सीट्स रहेगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी और मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके रिगार्डिंग थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में इस पोस्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि झारखंड SSC की तरफ से 10+2 लेवल की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल सीट्स की बात की जाए तो 863 सीट्स के लिए ये वैकेंसी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात रही तो ये फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर 2023 से और लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा आपको 19 नवंबर 2023। और अगर क्वालिफिकेशन वाइज बात करूं तो क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल डिमांड किया गया है, 10+2 पास आउट हो आप तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। रही बात की फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको क्या फी लगेगा, जनरल BC1 BC2 को लगेगा 100 रुपीज, SC ST से यहाँ पर 50 रुपीज लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी यानी कि एज लिमिट वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानेंगे कि आपका एज कब से कैलकुलेट किया जाएगा। सो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st अगस्त 2023। जनरल और EWS के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स रहेगा। BC1 एंड BC2 के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स रखा गया है। ऑल कैंडिडेट फीमेल्स के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स रहेगा। SC ST के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 ईयर्स। सो आई होप कि एज लिमिट आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब बता देती हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स होगा आपका रिटेन एग्जामिनेशन, जो कि ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। देन होगा आपका स्किल टेस्ट, उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। पर ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने से पहले का जो प्रोसीजर है यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम पैटर्न क्या होगा, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका यहाँ पर 3 पेपर होने वाला है, Paper 1, Paper 2 and Paper 3। Paper 1 विल बी क्वालिफाइंग नेचर और 30% कम से कम आपको उसमें लाना होगा। Paper 2 आपका रीजनल लैंग्वेज का, मतलब कि जो आपका क्षेत्रीय भाषा होता है उसका ये रहने वाला है पेपर। Paper 3 में GS का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं Paper 1, Paper 2 and Paper 3 में क्या सब पूछा जाएगा सब्जेक्ट वाइज। तो पहले Paper 1 में फ्रेंड्स होगा 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स के लिए, मतलब 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। टाइम मिलेंगे 2 आवर्स के, निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 का रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो हिंदी के 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 60 क्वेश्चन भी 180 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल Paper 1 ये आपको क्वालिफाई करके फिर Paper 2 में आप जाओगे। Paper 2 रहेगा आपका रीजनल लैंग्वेज, मतलब क्षेत्रीय भाषा, इसमें से कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, संथाली, बोडो, खासी, संस्कृत, उर्दू, मतलब जो आपको आता हो उन सब में से, उसमें से किसी एक लैंग्वेज का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए, 2 आवर्स का पेपर होगा, 1/3 आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं Paper 3 का क्या पैटर्न है एग्जाम का। Paper 3 में GK GS के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के लिए रहेंगे, झारखंड स्पेशल GK 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर एंड टाइपिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए। ओवरऑल आपका फ्रेंड्स यहाँ पे रहने वाला है 120 क्वेश्चन और टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स का। सो Paper 1, Paper 2 and Paper 3 ये तीनों तो आपने समझ लिया होगा। तो इसमें से जब आप क्वालिफाई करते हो तब जाके होता है आपका स्किल टेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानना होता है कि कितने गुना स्टूडेंट्स का जो है स्किल टेस्ट के लिए रिजल्ट आता है। तो आपको बताते चलो कि 3 गुना रिजल्ट आपको आएगा स्किल टेस्ट के लिए।
अब रही बात की पोस्ट वाइज कैसा स्किल टेस्ट होने वाला है, तो पहले मैं बता देती हूँ LDC का। LDC में होता है आपका टाइपिंग प्लस स्टेनो का टेस्ट, 10 मिनट्स का होता है, 2% मिस्टेक आपको अलाउ रहता है, 25 वर्ड्स पर मिनट का आपका यहाँ पे टाइपिंग एंड स्टेनो रहता है। स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट के लिए टाइपिंग प्लस स्टेनो दोनों ही टेस्ट होता है। SC ST का 25 वर्ड्स पर मिनट होता है एंड अदर कैंडिडेट्स 30 वर्ड्स पर मिनट। स्टेनो जो होता है वो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट का रहने वाला है। आई होप कि स्किल टेस्ट आप समझ गए होंगे, क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो, मैं वहां पे क्लैरिफाई कर दूंगी। तो आप जब ये स्किल टेस्ट क्लियर करोगे उसके बाद आपका सिंपली एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है दे दी जाएगी। सिंपल सी बात है कि जॉब का लोकेशन कहाँ रहेगा, तो झारखंड का है तो झारखंड में ही आपको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको आपका पोस्टिंग देखने को मिलेगा। एग्जाम सेंटर भी आपको, आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करते हो, मतलब बिहार, पंजाब, UP, हरियाणा, आपको झारखंड में जा करके वहाँ पे ना आपको पेपर देना होगा। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग के बाद सैलरी क्या मिलेगी, आई नो कि बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। LDC के लिए जो आपका रहता है Level 2 का सैलरी मिलता है 19,900 rupees to 63,200 rupees आपका सैलरी मिलता है। स्टेनो एंड पर्सनल असिस्टेंट का Level 4 का सैलरी होता है 25,500 rupees to 81,100 rupees की आपको सैलरी दी जाती है। सो आई होप कि मैंने कंप्लीट डिटेल वे में जो आपको एक्सप्लेन किया है आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन है, अदरवाइज इसका जो भी डिटेल वगैरह होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ना पोस्ट कर दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कर लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ना शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।